नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ढेर सारी न्यूज रिलेटेड हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स के बारे में। हिंडनबर्ग से रिलेटेड बहुत ज्यादा आजकल शोर मचा हुआ है, बीच में काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। ये कहा जा रहा था कि भाई ऐसे एक अडानी ने फॉल्स कंपनी बनाई, फेक कंपनी बनाई, उससे रिलेटेड बहुत सारे एडिटोरियल्स थे। फिर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ पलट कर रह गया और बहुत सारी बातें जो थी, जो शोर मच रहा था, वो एकदम से दब गया। तो आज उससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और इस एडिटोरियल के सेक्शन से जितने भी बैंकिंग लेवल के एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे वोकैबुलरी उनको सीखने को मिल सकती है, इसके बाद ईडीएम सीख सकते हैं, फ्रेजेस सीख सकते हैं, सेंटेंस की फॉर्मेशन सीख सकते हैं, धीरे धीरे उनको मीनिंग निकालना आ सकता है। और 1% अगर ऐसे स्टेटमेंट्स को आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो वही चीजें हमारे एग्जाम में जब दिखेंगी तो उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने शुरुआत करी है कुछ ऐसे रिपीटेड वर्ड्स से जो रिपीटेड वर्ड्स हमारे एग्जाम में या हमारे रीडिंग के पोर्शन में कहीं ना कहीं घूम फिर कर देखने में आ जाते हैं। ये बेसिकली उसी रिपोर्ट के सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में दिखता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है एकोलेट। एकोलेट को सम्मान पत्र कहा जाता है, एकोलेट को सम्मान पत्र कहा जाता है। दोस्तों किसी टाइम पीरियड में आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिन्हें गांधी जी के साथ युद्ध लड़ने के बदले में, युद्ध में विजय प्राप्त करी, गांधी जी के साथ दांडी मार्च में बहुत सारे कानूनों के साथ दिया, तो उनको ताम्र पत्र मिलते थे। सेम इसी प्रकार से एकोलेट होते हैं, सम्मान पत्र कहा जाता है। ये ऑनर के नाम पर दिया जाता है, जैसे किसी को ऑनर मिला, बहुत ज्यादा नाम मिला, रिकॉग्निशन मिली यानी पहचान मिला, प्रिविलेजेस मिली। प्रिविलेजेस का मतलब होता है कहीं पर छूट प्राप्त होना, अवार्ड, गिफ्ट, टाइटल, प्राइज या लॉरेल्स। लॉरेल्स होता है किसी प्रकार का सम्मान मिलना। अगला वर्ड आता है हमारे पास अकम्प्लाइस। ये बहुत अच्छा वर्ड है। अकम्प्लाइस होता है गुनाह में साथ देने वाला पार्टनर। गुनाह में साथ देने वाला पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो आपको किसी ना किसी गुनाह में साथ करता है या कोई क्राइम में सपोर्ट करता है, इसी को अबेटर भी कहा जाता है। आजकल न्यूज में अबेटर वर्ड का यूज किया जाता है। बेसिकली ये कहा जाने लग गया था, बीच के अंदर एक रिपोर्ट आने लग गई थी क्या, कि जो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है ये अडानी ग्रुप को एक्सेस में सपोर्ट करती है और जितनी भी शेल कंपनीज हैं उसके अंदर वो अबेटर है। अबेटर यानी कि एक तरीके से हिस्सेदार है, उसके इस क्राइम में सपोर्ट करती है। ये बेसिकली आरोप लगाए जाते थे आपके अपोजिशन में, राहुल गांधी के या कांग्रेस के द्वारा। इसी में एक्सेसरीज कह सकते हैं, पार्टनर इन क्राइम कह सकते हैं, ये एक सिनोनियम तो नहीं है लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग जोड़ दिया। एसोसिएट कह सकते हैं, एसोसिएट डजंट मीन कि क्राइम में साथ देने वाला, एसोसिएट होता है किसी व्यापार में सिंडिकेट की तरह सपोर्ट करने वाला। अगला वर्ड है कॉन्फिडरेट। कॉन्फिडरेट ये बहुत अच्छा वर्ड है, कॉन्फिडरेट का मतलब भी यही होता है, सपोर्ट करने वाला, साथ देने वाला। आपको ये कॉन्फिडरेट वर्ड बहुत ज्यादा अच्छे से याद करना है। एक अबेटर और एक अकम्प्लाइज, ये तीन वर्ड का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, चाहे कार्य सही हो या गलत हो, सही हो या गलत हो। अगला वर्ड आता है एक्रीट। एक्रीट एक बहुत अच्छा वर्ड है। एक्रीट होता है किसी चीज का बढ़ना, साथ साथ उगना, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है चीजें, परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। कोई देश बढ़ रहा है, देश में कंपनीज बढ़ रही हैं, कोई सरकार पावरफुल हो रही है तो उसी की सपोर्टिव कंपनीज भी क्या हो रही है, ग्रो करती जा रही है। पॉपुलैरिटी किसी पार्टी की बढ़ रही है तो साथ साथ उसको सपोर्ट करने वाले लोगों की भी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में वर्ड बनता है एक्रीट। एक्रीट यानी कि ग्रो बाय एक्यूमुलेशन और कॉलेसेंस। कॉलेसेंस का मतलब होता है किसी एक कंपनी की ग्रोथ से बाकी चीजों का नाम बढ़ना शुरू हो जाना। अगला वर्ड आता है असर्शन। ये वर्ड आकर्षण भी कह देते हैं कई लोग, अकॉर्डिंग के लिए आकर्षण भी कह देते हैं या एक्रीशन भी कह देते हैं। एक्रीशन का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना, चीजों का इकट्ठा होना, गैदरिंग होना। अब जैसे नई हमारी विधानसभा बनी है, संसद बनी है, आपको पता होगा पार्लियामेंट बनी है, ज्यादा लोगों की टीम जुड़ी है यानी कि अब ज्यादा लोग बैठ पाएंगे। पहले 547 लोगों के लिए जगह बनाई गई थी, अब यही जगह 800 प्लस लोगों के लिए बनाई गई है। आपको पता होगा विस्तार प्लान बहुत ज्यादा चल रहा है अभी भी, तो उधर गैदरिंग ज्यादा हो सके, ज्यादा लोगों की सीटिंग हो सके, तो वहां पर वर्ड जोड़ा गया
एक्रीशन, एक्यूमुलेशन इसी को कह सकते हैं, कलेक्शन कह सकते हैं, कलेक्टिंग कह सकते हैं, गैदरिंग कह सकते हैं, या अभिवृद्धि कह सकते हैं, जुड़ना धीरे धीरे। अगला वर्ड आता है एक्रू, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्रू। एक्रू का अर्थ होता है किसी चीज के काम से कोई चीज का उगना, रिजल्ट आना, या किसी चीज के समाप्त होने के बाद उसकी एक तरीके से ऑफस्प्रिंग्स का सामने आना, फ्लो आ जाना। तो इसके सिनोनियम में हम रिजल्ट कह सकते हैं, किसी चीज का अराइज करना, किसी चीज को फॉलो करना, एनस्यू, ये बहुत अच्छा वर्ड है बच्चा। अगला वर्ड आता है एमिनेट, ये एमिनेट यूज हुआ था अभी कुछ टाइम पहले ही, न्यूज़पेपर में हमने इसको पढ़ाया भी था, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए उनको ये पता होगा कि ये कौन कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के अंदर। अगला वर्ड आता है एक्विसेंस, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। एक्वायर करके किसी चीज को आप जब अलाउ कर देते हैं और वहां पर रजामंदी हो जाती है दो पार्टीज के बीच में, दो पार्टीज के बीच में रजामंदी हो जाती है कि यस From now we are going to follow these conditions, और आप इन conditions को follow करेंगे, तो वहाँ पे word बनता है, क्या बनता है? Acquiescence. Acquiescence का मतलब होता है किसी को रजामंदी कर लेना, किसी को consent में मना लेना, किसी को अपने लिए agree करवा लेना। तो permit कह सकते हैं, consent कह सकते हैं, agree to somebody कह सकते हैं, allow कह सकते हैं, assent भी हो सकता है, और यहाँ पे one's consent to भी होता है। आपको याद होगा स्कूल में बचपन में कंसेंट लेटर पर साइन करने के लिए स्कूल वाले एक लेटर देते थे कि यदि पेपर वाले दिन आपको जल्दी जाना है एग्जाम खत्म होने के बाद में, तो आपको क्या करना है, सिग्नेचर करवा के लाने हैं। किससे साइन करवा के लाने हैं? साइन करवा के लाने हैं अपने पेरेंट्स से, उनकी रजामंदी से। कहीं बाहर जाना है, गोवा के ट्रिप होते थे तो स्कूल में पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाए जाते थे। अगला वर्ड आता है हमारे पास में एक्रीमोनियस, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास में एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस किसको कहते हैं? उग्र को। उग्र को कहते हैं। क्रिम वर्ड याद रखिएगा, क्रिम वर्ड क्राइम से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर ये क्रिम वर्ड याद रखिएगा, क्रिम एक्रीमोनियस, यानी कि जिसके बुरे असर हो, यानी कि वो उग्र हो, लड़ाक हो, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, झगड़ालू कह सकते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट कह सकते हैं, जो उल्टे रिप्लाई कर सके, तो रेनकॉस भी कह सकते हैं, कॉस्टिक भी कह सकते हैं, असर्बिक भी कह सकते हैं, स्कैथिंग भी कह सकते हैं, सार्कास्टिक एक बहुत अच्छा वर्ड है, सार्कास्टिंग, एसिड भी कह सकते हैं और हार्श भी कह सकते हैं। कई बार हमारे पास में ऐसे वर्ड भी यूज होते हैं जिसके अंदर हम इसको रफ से भी जोड़ देते हैं, रफ ट्रीटमेंट मिलना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं पर कोई काम करते हैं, काम करने के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि हमारे से सामने वाला अच्छा बर्ताव करेगा, लेकिन हमें अच्छा बर्ताव नहीं मिलता, हमें ट्रीटमेंट कैसा मिलता है? रफ ट्रीटमेंट मिलता है। तो वर्ड आएगा यहाँ पे क्या आएगा? रफ। अगला वर्ड है हमारे पास एक्रीमोनी, एक्रीमोनी। अब आपने एक्रीमोनियस पढ़ा है तो एक्रीमोनी भी लगभग सेम वर्ड ही है, एक को हमने एडजेक्टिव बना दिया, एक को हमने नाउन बना दिया। तो एक्रीमोनी होता है बिटरनेस, कड़वाहट, कड़वाहट, अच्छे संबंध ना होना, तो बिटर से बिटरनेस बन गया, रेनकोर से रेनकर बन गया, रिसेंटमेंट से रिसेंट हो गया, ऐसे ही इल फीलिंग, इल विल, बैड ब्लड। बैड ब्लड जो है बच्चा एक मुहावरा है, लॉगर्स हेड की तरह है, लॉगर्स हेड की तरह बैड ब्लड एक मुहावरा है, जिसके अंदर हम कहते हैं आपस में दुश्मनी होना, नाराजगी होना, किसी के लिए आपके दिल में अच्छी वैल्यू ना होना। दोनों वर्ड एक सेम है, एक को एडजेक्टिव बना दिया, एक को नाउन बना दिया, और कोई बात नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। अगला वर्ड है एक्यूमन। एक्यूमन होता है एक डिलिजेंट व्यक्ति। डिलिजेंट व्यक्ति किसको कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसमें नॉलेज हो, कुशलता हो, किसी काम को करके दिखाने की पावर हो। इसे हम डेक्स्टर भी कह देते हैं बच्चा, इसे हम डेक्स्टर भी कह देते हैं, कि ऐसा व्यक्ति जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, कुशाग्रता हो। इसे हम एस्ट्यूटनेस भी कहते हैं, एस्ट्यूटनेस भी कहते हैं, अवेयरनेस भी कह सकते हैं, कि हाँ भाई व्यक्ति उस चीज से संबंधित अवेयर्ड है, जागरूक है। ऐसे ही श्रूडनेस भी कह सकते हैं, एक्यूटी, शार्पनेस आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड होते हैं, आपके एग्जाम में एक वर्ड तो आता नहीं है, इसीलिए कई बार एग्जाम में बच्चे को पढ़ाए जाते हैं सिनोनियम्स। सिनोनियम्स इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि बच्चे को समान शब्द अगर आ भी जाए रीडिंग में तो उसके लिए कोई कंफ्यूजन का पार्ट ना रहे। एड्रॉइट होता है एक्सपर्ट, एड्रॉइट होता है एक्सपर्ट,
एक ऐसा व्यक्ति, एड्रॉइट होता है एक्सपर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो टैलेंटेड हो, स्किलफुल हो, निपुण हो, यानी एक्सपर्ट हो, उसके अंदर नॉलेज हो। तो ये अडेप्ट एक वर्ड है जिसका मतलब एक्सपर्ट होता है। डेक्स्टर हमने अभी बताया, डेक्स्टर भी वही है, कुशाग्र यानी कि एकदम निपुण होना। डेफ्ट हो गया, एजाइल हो गया, एकदम तुरंत रिप्लाई करने वाला बहुत टैलेंटेड स्किलफुल व्यक्ति। निम्बल, निम्बल फिगर्ड, हैंडी, हैंडी होता है, कहते हैं ना ये भाई होमी है, हैंडी है, एक्सपर्ट है इन चीज़ों के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एड्रॉइट। एड्रॉइट आजकल यूज होता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एजाइल वर्ड को भूलना नहीं है। एजाइल वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज होने लग गया है, एजाइल वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एजाइल के बाद में ऐसे वर्ड जो हैं, हम हर क्लास में 10 वर्ड्स कराने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे को ये सभी वर्ड्स याद हो जाएं। ये एजाइल वर्ड को किसी भी परिस्थिति में भूलना नहीं है, एजाइल वर्ड को किसी भी परिस्थिति में भूलना नहीं है। पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये अडानी साहब आपको दिखाई दे ही रहे होंगे, अडानी साहब दिखाई दे ही रहे होंगे। इन अडानी साहब की बात करें तो जाहिर सी बात है इनसे रिलेटेड हम काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे नथिंग शॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, शॉर्ट ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉड। अब ये बेसिकली कल ही का न्यूज़ है, कल ही का न्यूज़ है जिसके अंदर बातचीत चल रही थी कि एक तरफ अब पहले चीज़ को समझना है, इस चीज़ को समझना है कि इशू क्या है, मुद्दा क्या है, फिर इसके बाद हम ग्रामर संबंधित हो गए, वोकैबुलरी संबंधित हो गए, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहला ये मुद्दा समझना है कि अडानी साहब की बहुत सारी कंपनीज हैं। एक टाइम था जब ये देश के टॉप 10 रईसों में आते थे, टॉप 5 रिच मैन में आते थे। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि इनकी ऊपर काफ़ी सारे ब्लेम्स लगने लगे, ब्लेम्स के बाद लोगों से विश्वास कम होने लगा, तो ये टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो गए रईसी के अंदर, पैसे के अंदर। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ पर ब्लेम क्या था, ब्लेम किसका था, ब्लेम था राहुल गांधी का, राहुल गांधी का, कांग्रेस का ब्लेम था। कांग्रेस बार बार प्रेशराइज कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट के सामने, अडानी गवर्नमेंट पर ब्लेम लगा रही थी कि कोई भी टेंडर रिलीज होता है, कोई भी टेंडर रिलीज होता है, उस टेंडर के अंदर बिना किसी चीज़ के एफर्ट्स के सारे टेंडर अडानी ग्रुप रिसीव कर रहा है, सारे टेंडर अडानी ग्रुप रिसीव कर रहा है। ये अडानी ग्रुप अगर रिसीव कर रहा है तो ऐसा क्या लॉजिक है जो हर चीज इनको मिल रही है। इस बात पर जब इन्होंने कुछ जानकारी हासिल करी तो ये पता चला कि यहाँ पर ये अपने शेयर मार्केट के साथ में कुछ छेड़खानी करते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों के पैसे से ये बेनिफिट्स कमा रहे हैं, और टैक्सेस से बचत के लिए इन्होंने विदेशों में कुछ शेल कंपनीज ओपन कर रखी हैं। शेल कंपनी का मतलब क्या होता है, शेल कंपनी का मतलब होता है नकली कंपनी बना देना, यानी कि असल में टैक्सेस को छुपाने के लिए हेड ऑफिस बना दिया मेन बाहर के किसी देश में, जैसे मॉरिशियस में बना दिया, मॉरिशियस के अलावा सिंगापुर में बना दिया, टैक्स हेवन जिसे हम कहते हैं जिन देशों को, जहां पे आप कमाइए, आपको टैक्सेस देने की जरूरत ही नहीं, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब जब टैक्स देने की जरूरत नहीं है ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में ये देश, ये लोग क्या करते हैं, ये राहुल गांधी का ब्लेम था कि ये टैक्सेस बचा करके सारा पैसा अपना सिक्योर कर रहे हैं और रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये ब्लेम्स थे। अब ये ब्लेम्स के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आए। जब ब्लेम आए तो ब्लेम के दो तरीके हैं, या तो खुद को सही प्रूव करो या फिर शांति से बैठ जाओ। सही प्रूव करने के लिए इनके ऊपर एक कमिटी बिठाई गई, कमिटी बिठाई गई, और कमिटी बिठाने के बाद में ये प्रयास किए गए, ये जानकारी हासिल की जाने लगी कि सच्चाई में ऐसा कुछ है भी, या केवल राहुल गांधी जी केवल और केवल क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्जी अफवाह फैला रहे हैं, कुछ इस तरीके की बातचीत थी। अब आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है, गौतम अडानी लेड ग्रुप सेड, गौतम अडानी के बारे में ग्रुप ने कहा हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, इस सेलेक्टिव एंड मैनिपुलेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ मैटर्स ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन टू क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव। कहा जाता है कि गौतम अडानी की जितनी भी इंफॉर्मेशन बाजार में या लोगों के सामने आई हुई है, ये एक तरीके से फॉल्स नैरेटिव है, जबरदस्ती दिखा रखा है, गलत जानकारी फैला रखी है। अब आगे कहता है, इट इज रिफ विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटेंडेड ओनली टू क्रिएट फॉल्स मार्केट इन सिक्योरिटीज एंड इट क्लेम। एक
ग्रुप ने यहाँ पर जो रिपोर्ट बनाने के लिए एक तरीके से यहाँ रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें एक बात ये भी इन्होंने बताई कि जो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है वो एक तरीके से लोगों में इनसिक्योरिटी पैदा करती है, ताकि गौतम अडानी के नाम से इन कंपनीज के जिस जिसने शेयर्स खरीद रखे हैं उन लोगों में इनसिक्योरिटी चले, और इनसिक्योरिटी होने के बाद वो क्या हो, उनको छोड़ छोड़ कर भागें और अपने आप को बचाने का प्रयास करें। दिस वुड इनेबल द एडमिटेड शॉर्ट सेलर टू बुक अ मैसिव गेन व्हाइल इन्वेस्टर्स लूज इट सेड इन अ 430 पेजेस रिब्यूटल। अब एक रिपोर्ट इसमें सबमिट कराई गई, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, रिपोर्ट में कहा गया 413 पन्नों की रिपोर्ट जमा कराई। 413 पन्नों की रिपोर्ट में क्या है कि लोगों में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट के बाद में एक र्यूमर फैलता है, र्यूमर फैलता है, इससे क्या होता है कि लोगों को तो नुकसान होता है क्योंकि लोग उस गेन को पाने की जगह उसे छोड़ छोड़ कर भागना शुरू कर देते हैं, और गौतम अडानी को उससे बेनिफिट होता है। ये एक र्यूमर फैला हुआ था, र्यूमर का मतलब ही क्या है, र्यूमर का मतलब ही होता है एक तरीके से फॉल्स नैरेटिव, यानी कि गलत अवधारणा बनना। अब क्या है, द ग्रुप सजेस्टेड दैट हिंडनबर्ग कंडक्ट इज अ कैलकुलेटिव सिक्योरिटीज फ्रॉड। अब यहां पर सिक्योरिटी के साथ फ्रॉड किया गया है, ऐसा ये ग्रुप कहता है। None of the 88 questions are based on independent or journalistic fact finding, the group claimed. अब यहाँ पे ये जिस भी ग्रुप ने इन पर क्लेम लगाया वो कहते हैं कि ये तथ्यों के आधार पर सही नहीं है। अब malfeit, malfeit यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, malfeit होता है wrong practice. Intention is apparent given its timing. When Adani Enterprises is undertaking the largest equity FPO, the group stated. अब यहाँ पे ग्रुप ने एक बात और भी कही कि अडानी के ग्रुप की बात करते हैं तो इनके पास लार्जेस्ट एफपीओ है, सबसे ज्यादा एक तरीके से मार्केट में फंड्स हैं, और ये लोगों के साथ माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, माल फिटे कर रहे हैं। अब इस चीज को पूरी की पूरी रिपोर्ट के जरिए पढ़ने का प्रयास करते हैं, रिपोर्ट के जरिए पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है, देखते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है। अब आगे बात करते हैं अनक्लीन चिट, अनक्लीन चिट हो, अगर हम यहाँ पे लिखते क्लीन चिट, क्लीन चिट का मतलब होता है कि इन पर कोई क्लेम नहीं हुआ, इन्हें आजाद किया गया, और अनक्लीन चिट का मतलब होता है अशुद्ध, एक तरीके से शुद्ध नहीं है, अभी अनक्लीन है, यानी डाउटफुल है। ऑन द सेबी इन्वेस्टिगेशन, सेबी इन्वेस्टिगेशन, सेबी क्या होता है बच्चा, सेबी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बेसिकली उन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को चेक करती हैं जो टैक्स या फ्रॉड करने का प्रयास करती हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हुई एंड हिंडनबर्ग रिसर्च पर जो एलिगेशन है उसको चेक करने का प्रयास किया जा रहा है कि उन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सही हैं या गलत हैं। पहला वर्ड समझना आरोप क्या होता है, आरोप एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी चलते फिरते आदमी पर, कड़ी कंपनी पर या कोई भी किसी पे लगा सकता है। आरोप के लिए क्लूज या प्रूफ का होना जरूरी है, एविडेंसेस का होना जरूरी है। ये बात याद रखना कि अपोजिट पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी ने जितने भी आरोप लगाए हैं इस अडानी ग्रुप पर, इसके बिहाफ पर या कंपैरिजन में, कोई भी इन्होंने अभी तक कोई एविडेंस सबमिट नहीं कराया, एविडेंस सबमिट नहीं कराया, और एविडेंस सबमिट कराने की जगह उन्होंने तो सिर्फ ये कह दिया हमें ऐसा लगता है कि बिहार पर ये बोला गया। और एक बात याद रखना, एक बहुत बड़े राइटर ने एक स्टेटमेंट कही थी कि झूठ को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ, इतना बढ़ा चढ़ा कर झूठ को फैलाओ कि जनता के दिमाग में एक बात आए कि इतना नहीं तो इतना तो होगा, यानी इतनी बड़ी चोरी नहीं की होगी तो इतनी चोरी तो होगी, उसके पीछे दिमाग लगाओ। जब जनता के दिमाग में डाउट्स क्रिएट होंगे तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली क्या होगा, वो उस कंपनी पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। नॉर्मली हम जो खाने वाला नमक है, अगर उस पर भी कोई कह दे कि इस नमक के अंदर ये समस्या पाई जाती है, मैक्सिमम लोग उसको छोड़ देंगे। पतंजलि के प्रोडक्ट के लिए एक फॉल्स नैरेटिव आया था, इस बात पे ध्यान देना, पतंजलि याद होगा रामदेव क्या प्रोडक्ट है, हालांकि कुछ प्रोडक्ट फेल भी थे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो पास ही नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि एक बीच में कोरोना के टाइम पीरियड में एक फर्जी रिपोर्ट आई, फर्जी इसलिए क्योंकि बाद में फैक्ट चेक के अंदर वो रिपोर्ट गलत ही प्रूव हुई थी। एक फर्जी स्टेटमेंट दी गई कि इसके पतंजलि के 90% प्रोडक्ट जो हैं फ्लॉप हैं, नकली प्रोडक्ट्स हैं।
इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो वो शुद्धता का दावा करते हैं वो नहीं है। अब ये जो फॉल्स नैरेटिव था ये जनता ने सुना, लेकिन जनता ने फैक्ट चेक तो किया नहीं। इससे क्या हुआ कि पतंजलि के जितने प्रोडक्ट्स की सेल होती थी उस सेल में एकदम से गिरावट आनी शुरू हो गई। एक बड़ी यूथ ने जिस जिस तक वो जानकारी पहुंची उनको उस बारे में नुकसान हुआ या पता नहीं चला, या पता चला तो उन्होंने उससे बायकॉट कर दिया। इंडिया में ऐसा ही होता है कि किसी को डाउन करना होता है तो उसके नाम को डिफेमेशन में ला दें तो ऑटोमेटिकली वो चीजें गिरनी शुरू हो जाती हैं। यहां पर ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, एलिगेशन लगाए गए हैं और एलिगेशन की जांच की जा रही है। एलिगेशन आरोपों को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपॉइंट किया है एक पैनल। सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेड पैनल जो है, पैनल का रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट हो गया एक संज्ञा, रिपोर्ट से पहले जितने भी हैं ये सब एडजेक्टिव्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैनल की जो रिपोर्ट जनरेट हुई है उन्होंने क्या किया, रेज यानी उठाए हैं काफी सारे नए सवाल। अब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के पैनल ने सवाल जनरेट किए हैं किस पर, सेबी पर, किस चीज के लिए, इंडिया में जो फंक्शनिंग हो रही है कामकाज की, उस पर काफी सारे सवाल उठाए हैं। अब वो सवाल क्या क्या हैं, किस चीज के हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। अब यहां पर धीरे धीरे चीजों को देखते हैं। ये न्यूज जो है ये ऑब्वियसली वेडनेसडे का न्यूज है, इवनिंग का, आज थर्सडे है। सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड होता है किसी चीज को परमिशन दे देना, क्योंकि रिपोर्ट कल की है तो आज ही हम इस बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड सेबी का हम बात कर चुके हैं, एक ऐसा फंक्शनिंग सेक्शन जो बेसिकली ये चेक करता है कि कोई चोरी तो नहीं की जा रही है। मोर टाइम यानी कि यहां पर ग्रांट किया है ज्यादा समय, और समय दे दिया कि आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को। हिंडनबर्ग रिसर्च के जो एलिगेशन लगाए गए हैं कंपनी पर, उस रिसर्च को पहले क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। और वो रिसर्च किस बात पे हो रही है कि एलिगेशन लगाए गए हैं कि ये जो फंक्शनिंग की जा रही है अडानी ग्रुप के द्वारा या उसकी कंपनी के द्वारा, वो फर्जी है, वो फेक और शेल कंपनीज के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है। इसके स्टॉक प्राइस के ऊपर इनको काम करना है कि ये स्टॉक के प्राइस को खुद मैनिपुलेट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि स्टॉक के प्राइसेस को खुद मैनिपुलेट करते हैं, यानी कंपनी खुद मैनिपुलेट करती है और वायलेट कर रही है यानी ब्रेक कर रही है। वैसे वायलेशन का मतलब हिंसा होता है, लेकिन यहां पर क्या है, वायलेट का मतलब होता है ब्रेक कर देना। ब्रेक कर रहे हैं किस चीज के लिए, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि यहां पर ये होल्ड कर रहे हैं, उन नियमों को तोड़ रहे हैं जिसमें पब्लिक को कम से कम शेयर होल्ड करने की क्षमता मिले, किसमें, कंपनी के फर्म्स में। यानी इस तरीके से दिखा दो कि जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया वे लोग एक तरीके से आधा पैसा छोड़कर या पैसा छोड़कर कंपनी पर ट्रस्ट ना दिखाते हुए पीछे हट जाए, इस तरीके की यहां बातें की जा रही है। अहेड ऑफ द कोर्ट ओरिजिनल, अब यहां पे कोर्ट के आगे जो बातें प्रेजेंट हुई 2 मई को प्रेजेंट हुई थी, यहां पे उसकी लिमिट सेट हुई थी। लिमिट की थी क्या थी, सेबी हैड सॉट एट लीस्ट 6 मोर मंथ, यहां पर 6 महीने की बात की गई, जिसमें दर्शाया गया, साइटिंग प्रेजेंट की गई, क्या प्रेजेंट की गई, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं है, इसके लिए और ज्यादा समय चाहिए। एंड द नीड टू अनरेवल लेयर्ड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर्स की जो डील्स दर्शाई जा रही हैं उस पर इन्हें क्या हो रहा है, सस्पेक्ट हो रहा है, सस्पिशन हो रहा है, संदेह हो रहा है, सस्पिशियस है यानी संदेह है। द मार्केट वॉचडॉग का मतलब होता है जो निगरानी रखने वाले लोग होते हैं बाजार के रूप में, एक दूसरे के कामों पर भी ध्यान देते हैं ना, तो वॉचडॉग हैज नाउ गॉट, अब यहां पर क्या मिला है, उन्हें प्राप्त हुआ है 3 महीने के रिप्राइव का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिप्राइव का मतलब यहां पर कंसीडर किया जाएगा एक तरीके से समय प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या कहता है, बट यानी कि समय भी मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन द फाइंडिंग, अब जो भी इन्हें एविडेंस मिले, सबूत मिले, वर्ब के आगे इन्होंने आई एस एस लगा दिया, इसका मतलब हो गया इन्होंने इसे सब्जेक्ट बना दिया। फाइंडिंग किस चीज की थी, 6 सदस्यों की टीम थी, 6 के 6 सदस्य एक्सपर्ट थे, उसका पैनल बनाया था, यानी 6 सदस्य या 6 एक्सपर्ट सदस्यों की टीम बनाई, और जो फाइंडिंग्स प्राप्त हुई, टास्क बाय द कोर्ट, जो कोर्ट ने उनको काम दिया था, क्या काम दिया था कि रिव्यू कीजिए, क्या रिव्यू करना है, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को, यानी भारत की सुरक्षा की जो बाजार है उनको, और ओवरऑल रेगुलेटरी और इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के फ्रेमवर्क को देखिए कि कहीं अडानी ग्रुप ऐसा तो नहीं उनको धोखा दे रहा हो, अंधेरे में रख रहा हो, नियमों को तोड़ रहा हो, और इन द वेक ऑफ डिजीनेस, और अंधकार या एक तरीके से कम जानकारी के आधार पर नियमों को तोड़ा जा रहा हो अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस के रूप में, यानी कि नियमों को ब्रेक कर रहा हो, गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर स्टॉक प्राइस को या स्टॉक के प्राइस को स्टेबल रखना या स्टेबल रखने का प्रयास करना जरूरी होता है, फेक न्यूज या किसी भी तरीके से उसको गिराना या मैनिपुलेट करना नहीं होता। अब यहाँ पर एक और बात कहता है, डू नॉट इंस्पायर मच हो फॉर द एक्सपेंडिएट एक्सपीडियंट क्लोजर। एक्सपीडियंट का मतलब होता है कन्वीनियंट, एक्सपीडियंट का मतलब होता है कन्वीनियंट क्लोजर, और ऐसा भी बोला गया कि इंस्पायर नहीं करना है होप को, ऐसा भी इंस्पायर नहीं करना है कि कन्वीनियंट क्लोजर मिल जाए या आधे पौने काम पे रोक लगा दी जाए। कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा स्टेबल होके काम कर रही है। ऑन इट्स मोस्ट वाइटल टर्म, अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, रेगुलेटरी फेलियर आ रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो फेल आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं इन डीलिंग विद, यानी कि किस चीज से डील करते हुए, जितने भी सिक्योरिटी मार्केट के लॉज हैं उनमें कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, यानी कि उनमें संदिग्ध चीजें पाई जा रही, उन्हें तोड़ा गया है इन रिलेशन टू अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप के द्वारा और अदर कंपनीज के द्वारा, यानी केवल अडानी ग्रुप ही नहीं है, लगभग सभी कंपनियों की बात हो रही है। द कमिटीज फाइंडिंग आर फार फ्रॉम एम्फेटिक, एम्फेटिक होता है जोर देना, यानी ऐसा कुछ उन्हें अभी तक खास नहीं मिला जिसके अंदर ये कहा जा सके कि अडानी ग्रुप ने एग्जैक्टली वायलेट किए हैं नियम या अभी वायलेशन से दूर हैं, वायलेट किए भी हैं या अभी वायलेशन से दूर हैं। अब आगे बात होती है ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टॉक प्राइस, अब क्वेश्चन आता है स्टॉक प्राइस के मैनिपुलेशन का कि इन्होंने कितने स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, सेबी टोल्ड द जस्टिस, सेबी ने बताया जस्टिस ए एम सापरे को जो कि पैनल के अंदर है, दैट 849 ऑटोमेटेड अलर्ट्स वर थ्रोन अप, 849 खुद से जनरेट किए हुए अलर्ट भेजे गए स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा पिछले 57 महीनों में दिसंबर 2022 तक, यानी कि अब तक के इतने सारे ऑटोमेटेड अलर्ट्स मिले हैं, और अलर्ट मिलने के बाद रिजल्टिंग इन 4 रिपोर्ट्स, जिससे 4 रिपोर्ट जनरेट हुई। अब 4 रिपोर्ट में यहाँ पर जैसे 4 रिपोर्ट की बात आई, तो ऑब्वियसली बात है द फर्स्ट ऑफ दीज रिपोर्ट इन 2020, 2020 में एक रिपोर्ट आई, अट्रैक्टेड सेबीज अटेंशन, जो सेबी की अटेंशन प्राप्त करती है, यानी जहाँ पर सेबी को शक होता है, वो पहली रिपोर्ट क्या थी, टू सम कॉमन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी कि कुछ ऐसे पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर थे, फॉरेन इन्वेस्टर थे, यानी विदेशी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट हो रही थी, कहां पर, होल्डिंग शेयर अक्रॉस अडानी ग्रुप, जो अडानी कंपनी के ग्रुप को होल्ड कर रहे थे, अडानी ग्रुप के शेयर्स को होल्ड कर रहे थे विदेशों से। अब इन बातों को ध्यान से सुनने लायक बात है कि सबसे पहली रिपोर्ट ये मिली कि विदेशों से फंडिंग स्टार्ट हो रही थी और इनके इन्वेस्टर्स जो थे वो परचेज कर रहे थे, और जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़े बल्क में प्रोडक्ट्स को या शेयर्स को परचेज करते हैं तो सेबी की आईज एक्टिव हो जाती हैं और वो ध्यान देने लग जाती है कि कौन चोरी कर रहा है, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है जब अपनी कंपनी का मार्केट गिर रहा होता है ना, तो बाहर से खुद ही इन्वेस्टमेंट दिखा दी जाती है ताकि लोगों को बढ़ते हुए शेयर से लगे कि भाई यहाँ पर पैसा लग रहा है और कंपनी प्रॉफिट कमा के दे सकती है। कंपनी प्रॉफिट कमा के देगी तो लोगों को भरोसा होगा और लोग और इन्वेस्टमेंट करेंगे इनके शेयर्स के अंदर, ठीक है ना। तो जुक्स्टापोजिंग, दिस जुक्स्टापोजिंग होता है अरेंज करना इन चीजों को, दिस विद अर्लियर कंप्लेन, यानी कि इस 2020
2020 की कंप्लेन को बाकी कंप्लेन से जब जोड़ा गया, सेबी कमेंस्ड, सेबी को प्राप्त हुआ अ फॉर्मल प्रॉब ऑफ पोटेंशियल वायलेशन ऑफ 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स इन अक्टूबर 2020। जब ऐसा पाया गया तो इन्होंने चीजों को जोड़ा, चीजों को जोड़ने के बाद इन्होंने पाया कि 25% का शेयर होल्डर मिला है पब्लिक का, पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो मिली है 25% की मिली है। अभी तक इसमें कोई इशू नहीं है कि 25% तक की शेयर होल्डिंग का मतलब यह है कि अभी भी कंपनी के ओरिजिनल हिस्सेदारी सेबी के इसके अडानी के पास नहीं है। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, एक टाइम ऐसा भी होता था जब दोस्तों नॉर्मली काफी सारे लोग ऐसे प्रयास करते थे कि किसी कंपनी को परचेज करना है तो उसके धीरे 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 स्टॉक्स को खरीदना शुरू कर देते थे, शेयर्स को खरीदना शुरू कर देते थे। शेयर्स को खरीदते खरीदते जब 50% से ज्यादा शेयर होते थे तो वो उसके पास ऑटोमेटिकली उस कंपनी के मालिक होने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। लेकिन अभी केवल 25% है और 25% भी डिफरेंट पार्टीज के पास है, एक कंपनी के पास नहीं है। ठीक है, सेबी ने यहाँ पे साइट किया, दिखाया कि अडानी एंटरप्राइजेज ट्रेडिंग डेटा टू द पैनल एंड सेड नो मैनिपुलेशन वॉज फाउंड। अभी तक जब 25% रिकॉर्ड की बात आई तो उन्होंने क्लियर बोला कि जब डेटा को चेक किया गया तो कोई मैनिपुलेशन नहीं मिली, कोई छिड़खानी नहीं मिली। बट सच एनालिसिस वर स्टिल अंडर वे फॉर अदर ग्रुप स्टॉक। लेकिन अभी ये भी बात है कि इस तरीके की जो अभी बाकी एनालिसिस है वो चल रही है, खत्म नहीं हुई है। कंपेलिंग द पैनल टू कंक्लूड दैट, अब यहाँ पे कंपेल यानी कि कोर्ट की तरफ से भी दबाव आ रहा है कि अभी प्राइमा फेशिया यानी कि अभी कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट जब तक फाइनल नहीं आती कोई कमेंट करना जरूरी नहीं है। इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू से, अभी कहना बहुत कठिन होगा कि देयर हैज बीन अ रेगुलेटरी फेलियर, कि यहाँ पर कोई ऐसा रेगुलेटरी फेलियर तो नहीं है, अभी ऐसा कहना मुश्किल होगा। सेबी खुद भी चेकिंग के दौरान पा रही है कि कोई ऐसा मैनिपुलेशन नहीं मिला, मैनिपुलेशन नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली ये कहना गलत होगा कि अभी तक कोई छिड़खानी हुई है या नहीं हुई है। इवन एज इट इज स्ट्रेस्ड, हालांकि वो भी पैनल जो है दबाव में है, दैट सच इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी टाइम बाउंड। अब यहाँ पे सेबी के ऊपर भी एक दबाव क्या है कि मैक्सिमम आप किसी भी कंपनी के ऊपर जब इस प्रकार की जांच बिठाते हो तो आप बहुत ज्यादा समय नहीं ले सकते हो, लेकिन 6 महीने ऑलरेडी बीत जाने के बाद अननेसेसरी आप और भी ज्यादा खींच रहे हो तो इनडायरेक्टली आप एक रनिंग कंपनी की ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हो। इवन ऑन द प्रॉब इन टू द पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फ्लैग्ड बाय हिंडनबर्ग, अब यहाँ पे जो भी इस तरीके की ट्रांजेक्शन है उन्हें मौका मिलता है काम करने का हिंडनबर्ग के नाम से। द पैनल्स इंटरफेरेंस इज कॉन्शियसली वर्डेड एंड हिंट एज इट ऑन टाइम कंस्ट्रेंट, इसमें उन्हीं के काम में कंस्ट्रेन हो रहे, रुकावटें पैदा हो रही हैं। अभी तक ऐसा सच कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें सामने आती जाती हैं। In these circumstances, it won't not be possible. In these circumstances, it would not be possible to return a finding of regulatory failure. जब एक बार मना कर दिया कि भाई यहाँ पे कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं मिला है तो ये जबरदस्ती कह पाना मुश्किल होगा या दोबारा उसी पॉइंट पे खड़े हो पाना सेबी के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा कि नहीं हमने पहले गलत बोला था और रेगुलेटरी फेलियर मिल गया जबकि कुछ मिला ही ना हो। There indeed has to be a coherent enforcement policy. कह रहा हो सकता है यहाँ पे करनी पड़ जाए कुछ ऐसी enforcement policy लगानी पड़ जाए जिसे और ज्यादा अच्छे से देखना पड़े। The key reason for SEBI drawing a blank in attempt. अब इसका main कारण क्या है कि अभी तक SEBI के हाथ में कुछ नहीं लगा। Attempt जो कि शुरू हुआ था 2020 में दोबारा शुरू हुआ Hindenburg report के बाद और मतलब कहने का ये लगातार चल रहा है। ठीक है, अप टू आइडेंटिफाई 42 अल्टीमेट बेनिफिशियरी बिहाइंड 13 42 बेनिफिशरीज मिले हैं जिन्होंने 13 फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है विद साइजेबल स्टेक और बड़ी मात्रा में यहाँ पे 13 बार 42 ग्रुप्स के द्वारा 42 सेक्शंस के द्वारा यहाँ पे परचेजिंग करी है अडानी ग्रुप के अंदर। इज दैट रेगुलेटर That itself tweaked the FPI norms in 2019 to make it obfuscation. घटना या एक तरीके से कहते हैं कि करप्ट होने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है इस तरीके की बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से होती है तो। सच अ सेल्फ
इंफ्लिसिटेड चिकन एंड एग सिचुएशन, चिकन एंड एग सिचुएशन की पहले क्या आया वो वाली परिस्थिति है, विद कैप्रिशियस लेजिस्लेशन डाइवर्जिंग फ्रॉम एनफोर्समेंट इज रेयर एंड मस्ट ट्रिगर अ क्लोजर लुक एट सेबी अप्रोच इज टू इट्स की मैंडेट द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। अभी साधारण सी बात, सरकार पर एक दबाव यह है कि 42 ऐसे पार्ट हैं जहां से बार बार इन एक तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर को परचेज किया गया। परचेजिंग के दौरान यह भी पाया गया कि अभी तक कोई भी रेगुलेटरी मैंडेटरी सेक्शन से छिड़खानी नहीं की गई। 2020 से लेकर अब तक लगातार कई बार ऐसा हो चुका है जो सेबी यहाँ पे सरकार के रिकॉर्ड्स को और अडानी ग्रुप के रिकॉर्ड्स को चेक करती जा रही है। चेकिंग के दौरान अभी तक उन्हें कुछ माल फंक्शनिंग दिखाई नहीं दी है, लेकिन जब विदेशों से ऐसी फंडिंग आती है तो गवर्नमेंट अलर्ट होनी पड़ती है। अब पॉइंट आता है कि शेल कंपनी की बात की जाए तो यहां पर अभी तक भी ऐसी होलो या शेल कंपनी का नाम नहीं आया। आपको याद होगा पहले अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का भी ऐसे ही नाम आया था कि इन्होंने अपनी किसी कंपनी को चलाने के लिए शेल कंपनीज को अलाउ किया गया है, जिसके अंदर से बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं और दिखाते हैं कि टैक्सेस को बचाने के लिए, लेकिन यहां पर ऐसा अभी कुछ नहीं मिला। दूसरी चीज, क्या ये टैक्सेस की चोरी है, इस पर भी अभी कोई रिपोर्ट क्लियर नहीं है। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के नाम पर अडानी ग्रुप को कल्प्रिट पाया, नहीं पाया, लेकिन क्या ऐसे ब्लेम्स से अडानी ग्रुप पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि अडानी ग्रुप पर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जनता जो होती है वो अनरेस्ट हो जाती है। सपोज कीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मैंने TCS के अंदर छोटी सी इन्वेस्टमेंट की गई है ग्रो ऐप के थ्रू, एग्जाम्पल मैंने ऐसे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरा पर्सपेक्टिव क्या होगा, सोचने वाली बात है। मेरा पर्सपेक्टिव ये होगा कि कंपनी क्लीन चिट में चल रही है, कोई छेड़खानी नजर नहीं आ रही है, अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं जो नेगेटिव इशू दे रही हो। जब कुछ ऐसा बुरा मेरे सामने नहीं है तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो मंथली रेगुलरली चलती जाएगी। लेकिन अब बात आती है यहां पर पॉइंट नंबर दो। पॉइंट नंबर दो क्या कहता है कि जब मुझे पता चलेगा कि सपोज कीजिए कि यहां पर उसके अंदर कुछ पंगेबाजी है, आम आदमी को पता चलेगा कि भाई यहां पर कुछ छेड़खानी की जा रही है सिस्टम के साथ, ग्रुप के साथ, या एक तरीके से माल फंक्शनिंग हो रही है, और आगे आने वाले टाइम पीरियड में मेरा जो लागत है या जो मेरा जो पैसा है टैक्सेस को बचाने का या किसी भी चीज का, वो डूब सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी की नेगेटिव इमेज जब अलग या बड़े रेप्यूटेड मंत्री लोग शोर मचा मचा कर जनता के सामने क्रिएट करते हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि इससे पॉलिटिक्स के नाम पर आम व्यक्ति अनरेस्ट होता है और इस चक्कर में कंपनीज को काफी ज्यादा लॉस होता है। जिसके चक्कर में आपने नोटिस किया होगा कि मात्र 2 महीने के अंदर अंदर जो कंपनी टॉप 10 में आती थी वो टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो गई, टॉप 20 की लिस्ट में भी बाहर हो गई, क्योंकि जनता इनसिक्योर फील होने लगी और उन्होंने अपने आप को आउट करना शुरू कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता, जब तक पैनल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, जब तक अडानी ग्रुप को कोई एक बेसिकली फंसने का कोई लॉजिक नहीं मिलता या फंसाने का कोई कारण नहीं मिलता, तब तक ये कह पाना कठिन है कि सेबी के हाथ में कुछ आया या नहीं आया। लेकिन हर व्यक्ति उम्मीद करके बैठता है ना आए, लेकिन अपोजिशन ब्लेम करता है। खैर, यहां पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के कुछ पॉइंट्स और फैक्ट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।